Subscribe and click the bell icon for all the television updates. शोएब इब्राहिम ने लिखा ओपन लेटर सोशल मीडिया पर, जहां उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस गुस्से की वजह बिग बॉस में हुए दीपिका और रोमिल चौधरी की फाइट को लेकर है। उन्होंने क्या लिखा है आप खुद ही सुन लीजिए। जस्ट वॉन्ट टू से टू ऑल द पीपल हु आर सेइंग कि दीपिका ने ओवर रिएक्ट किया। तो भाइयों और बहनों एक बात बताओ, क्या इमोशन सिर्फ आप लोगों के पास है, दूसरों के इमोशंस नहीं होते? दीपिका इज द ओनली कंटेस्टेंट जिसका सबसे ज्यादा मजाक बनाया गया है उसके इमोशंस को लेके, लेकिन एक बार भी उसने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी से कोई ग्रज रखा। लेकिन अब बात है फैमिली की, आई मीन गेम की आड़ में हाउ कैन एनीबॉडी आस्क एक ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी के भी इमोशन को हर्ट कर सकता है। हाउ कैन एनीबॉडी कंपेयर हस्बैंड फ्रॉम ब्रदर, वो भी ऐसा भाई जिसे खून का रिश्ता नहीं। किसी को भी ऐसे रिएक्ट करना जायज है, और जो इसको सही नहीं समझते तो भाई कुछ प्रॉब्लम है तुम लोगों में। हमारे यहाँ हर रिश्ते की एक अलग जगह होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होता है। एंड ये क्या है, भैया या सैया? इस लाइन को बोलने से किसी के भी दिमाग में क्या आता है और इंटेंशन क्या होता है ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तरस आता है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि इतना बुरा क्या बोल दिया, आप सबको तो बस मौका चाहिए दीपिका को फेक बोलने का। सच्चाई तो ये है कि जितने भी उसे फेक बोलने वाले हैं उनसे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होती कि आज के जमाने में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी को ऐसा नहीं बनाता, कुछ खास ही होते हैं जिनको रिश्तों की, प्यार की और इंसान के इमोशन की कदर होती है। यस, उसने श्री को भाई बोला है और वो उसे अपना भाई मानती है, उसका तो मजाक मत बनाओ यार। भाई और बहन के रिश्ते को हस्बैंड से कंपेयर करने पर उसको सही मानने वालों एक बार जरा गौर से सोचो और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो क्या ये सही है या नहीं। यू सोशल मीडिया में किसी और की फोटो लगा के इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। एक बार खुद के भाई बहन को हस्बैंड वाइफ से कंपेयर करके देखो और बोलो किसको चुनोगे, वो भी नेशनल टीवी पे, देखते हैं कितना लाइटली लोगे। और रही बात जो भी उसे कहते हैं कि एक्टिंग कर रही है फुटेज के लिए, तो बता दूं बहुत काम कर चुकी है वो इंडस्ट्री में, उसे अननेसेसरी फुटेज की जरूरत नहीं है। और वो अब तक बिग बॉस में देख भी लिया होगा आप सबने, पहले खुद के दम पे इस मुकाम तक पहुंच के दिखाओ फिर बात करना। मैं कभी किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर कोई जजमेंट नहीं देता, बट दिस टाइम ये क्वेश्चन गलत था। मजाक की भी एक लिमिट होती है, गेम की आड़ में आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। अगर इंसान की कदर नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते ही थोड़ा शर्म करो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को भी बिना जाने जज मत करो। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेकर से कि आपको इसको ध्यान देना चाहिए और सभी को एक वार्निंग देनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि आप किसी के भी फैमिली मेंबर्स को गेम का बहाना करके उन्हें बीच में लाएं और किसी भी कंटेस्टेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। और आगे आने वाले सीजन के लिए भी ये बात कंटेस्टेंट के दिमाग में रहे। दीपिका, यू आर वन इन अ मिलियन। शोएब के इस लेटर को लेकर आप कितने सहमत हो, अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। काइंडली वॉच दीज एपिसोड्स ऑन कलर्स टीवी एवरी डे एंड एनी टाइम ऑन वूट।